नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पाए इस वक्त बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर जाके सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगातार चल रहा है। दोस्तों इससे जुड़ी हुई क्या कुछ बड़ी अपडेट आई है बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट, और चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मंत्री के साथ अखिलेश यादव की सीधी सीधी बहस भी हो गई और जमकर नोक झोंक देखने को मिला है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के लिए पहुंचा था अडानी ग्रुप, जिसे झटका देते हुए कोर्ट ने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद अब सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया में चल रही खबरों पर नहीं लगेगा बैन। दोस्तों विस्तार से इसके बारे में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर दिल्ली के अंदर एमसीडी के इलेक्शन के बावजूद लगातार कमेटी के इलेक्शन को लेकर बवाल जारी है। बीते दिन भी जमकर हाथापाई की खबरें सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे विस्तार से क्या है पूरी अपडेट। और पंजाब के अंदर खालिस्तानी समर्थक एक करीबी को पुलिस ने छोड़ दिया है दोस्तों, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ साथ आपको बताएंगे क्या कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ फिर समझौता करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप को लेकर उठ रहे सवालों पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और पूर्णिया के अंदर महागठबंधन की होने वाली रैली सफल हो सकती है, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से 85वें महाअधिवेशन के लिए पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ पहुंच गए। रायपुर में अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा बल्कि खड़गे को सदस्य नामित करने का अधिकार दे दिया गया है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि सीडब्ल्यूसी का मेंबर कौन होगा। पार्टी के संविधान में भी संशोधन किया गया है। वहीं पर दोस्तों यूपी के अंदर अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से विधानसभा में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कई सारे सवाल योगी सरकार से पूछे दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह रही कि एक योगी सरकार के मंत्री से अखिलेश यादव की सीधी बहस भी हो गई और इस दौरान अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसा। वहीं पर यूपी में काबा गाना गाने वाली नेहा सिंह राठौर को दिए गए नोटिस को लेकर भी अखिलेश यादव ने जबरदस्त तंज कसा। साथ साथ दोस्तों उन्होंने जो बातें कही है उसको लेकर बीजेपी के मंत्री बुरी तरीके से बौखला गए और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल विधानसभा में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल पूछते हुए कहा कि हम 16वें नंबर पर है इकोनॉमिक फ्रंट पर, जिसमें कई मानक है, उसमें हम और यूपी के लोग कहां खड़े हैं, गुजरात नंबर 1 और हम नंबर 17 पे हैं, ये बात आपको नहीं अच्छी लग रही, आप तो वित्त मंत्री है ना। इस तरीके का बयान जब अखिलेश यादव ने दिया तो सामने से योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि आप पेपर का जो रेफरेंस दे रहे हैं आप बताइए कौन सा पेपर है। तब अखिलेश यादव ने कहा कि आप ये नहीं मानेंगे तो इंडिया टुडे का पढ़ दूंगा। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि आप केवल पेपर बता दीजिए, उसकी अथॉरिटी क्या है। तब अखिलेश यादव ने कहा कि आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा, आपने सुना नहीं है, ऐसा लगा है आपने लगा है हेडफोन नहीं लगाया था। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उन्हें नहीं बैठने दिया गया। एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के यूपी में काबा गीत पर पुलिस के द्वारा नोटिस दिया गया है। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता तो मैं बुरा नहीं मानता, मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ जिसने अपने ऊपर खुद ही कार्टून की किताब छपवाई थी। दरअसल ये पूरी नोकझोंक दोनों के बीच में कई फैक्टर्स को लेकर हुई है। दोस्तों कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को निशाने पर लिया और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी सरकार को खड़ी खोटी सुनाई है, दोस्तों भाजपा के लोग मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव का क्रिटिसिज्म सुन रहे थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस दौरान एक बड़ी बात कहते हुए कहा कि क्यों ना हमारा एक मैच हो जाए इकाना स्टेडियम में। मैं नेता सदन को बताना चाहता हूं कि जितने बॉल आप फेंकोगे उतने छक्के मैं मारूंगा। यानी योगी आदित्यनाथ को नेता सदन कहते हैं अखिलेश यादव। और इस दौरान उन्होंने क्रिकेट का हवाला देते हुए कहा कि एक क्रिकेट का मैच हो जाए तो पता चल जाएगा जितने भी बॉल नेता सदन फेंकेंगे उन सभी बॉलों पर छक्के लगेंगे। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखा जरूर बताएगा। अखिलेश यादव ने इस दौरान जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर भी पोस्टर लहराए हैं। दोस्तों साथ साथ बिहार के अंदर आज एक बहुत बड़ा महारैली होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति तेजी से बदलती जा रही है। बिहार के बड़े बड़े सियासी दिग्गज भी अंदाजा लगाने में असफल हो रहे हैं कि यहां कौन सा बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। अब इन्हीं बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में 25 फरवरी को यानी आज बिहार के सीमांचल क्षेत्र के अंदर पूर्णिया में महागठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है। महागठबंधन के बड़े नेता इस रैली की तैयारी के लिए दिन रात जुटे हुए थे। दोस्तों बड़े नेता खुद आकर लोगों से रैली में शामिल होने का निमंत्रण भी दे रहे थे और आज यहीं से तय होने वाला है कि इस रैली के अंदर कौन कौन महागठबंधन के साथ में है और कौन कौन ऐसा है जो महागठबंधन से अलग 2024 में चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और लेफ्ट गठबंधन के साथ साथ जीतन राम मांझी के रैली में मौजूदगी के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने जेडीयू से अलग पार्टी बनाई
है। उनके साथ बीजेपी के लोग दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर भी आज तय हो जाएगा कि वो किसके साथ में है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंडनबर्ग, उसके शोधकर्ता नाथन एंडरसन और अन्य के खिलाफ जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही कहा गया था कि सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट को रोकने के लिए एक गैग ऑर्डर जारी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी सुनवाई के दौरान यह बातें स्पष्ट कर दी है कि हम कभी भी मीडिया को कोई निषेध आज्ञा जारी करने नहीं जा रहे हैं, हम जल्द ही आदेश सुनाएंगे। दरअसल दोस्तों, अडानी ग्रुप की ओर से कहा जा रहा था कि जो अडानी ग्रुप पर आरोप लग रहे हैं धोखाधड़ी के, उस मामले पर जितने भी वीडियोस वगैरह बनाए जा रहे हैं या फिर मीडिया में खबरें चलाई जा रही है, उस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर मना करते हुए देश के अंदर लोकतंत्र का हवाला दिया है। आपको बता दें कि देश के अंदर जब से अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग ने रिसर्च में बड़ी बड़ी बातें कही है दोस्तों, उस पर न्यूज चलाया जा रहा है, जिसमें क्या दिक्कत है उस ग्रुप को। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अडानी ग्रुप का शेयर लगातार गिरता जा रहा है और एक के बाद एक तमाम पक्ष में आर्टिकल लिखवाने के बावजूद उनको कुछ फायदा नहीं पहुंच पा रहा, और इसलिए दोस्तों क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के अंदर सीएम केजरीवाल का अधिकारियों को निर्देश, कहा उपराज्यपाल से सीधा आदेश देना बंद करिए, राज्य सरकार के आधार पर काम करिए। दरअसल एलजी और राज्य सरकार के बीच में लगातार खींचातानी देखने को मिलती है दोस्तों, और एक और बयान देते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल के साथ अभी भी उनका सही से समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। साथ साथ दोस्तों एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन के अंदर एक वोट अवैध करार होने के बाद फिर से मतगणना हुई, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम के अंदर एक और बवाल देखने को मिला। दरअसल दोस्तों दिल्ली नगर निगम की एक महत्वपूर्ण बॉडी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में आज वोटों की गिनती उस वक्त बाधित हो गई थी जब बीजेपी ने एक मत को अमान्य किए जाने पर आपत्ति जताई थी। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्य टेबल पर चढ़ आए और दिल्ली नगर निगम के हाउस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे दोस्तों, जिसको लेकर जबरदस्त बवाल हो गया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि एक बार फिर से हाथापाई की खबर देखने को मिली। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग लगातार भिड़ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के एक पार्षद पर आरोप लगा था कि उन्होंने बीजेपी के पार्षद को थप्पड़ मारा था। फिर से बीते दिन सदन के अंदर बीजेपी ने दावा किया कि उनके एक और पार्षद के साथ हाथापाई की गई है। साथ साथ दोस्तों एलजी के आदेश को सीधे लागू ना करें ये बयान देने के बाद अब एलजी अपनी ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि पंजाब के अंदर अजनाला जेल से लवनप्रीत तूफान रिहा हो गया। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का करीबी व्यक्ति है दोस्तों, जिस तरीके से हुड़दंग मचाया गया था, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई थी और हथियार लेकर जैसे पुलिस थाने में घुसा गया था, उसके बाद से पुलिस प्रशासन की ओर से फैसला लेते हुए अमृतपाल सिंह के सहयोगी लवप्रीत तूफान को बाहर छोड़ दिया गया है दोस्तों। उस पर लगे आरोप से छुटकारा दे दिया गया है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरीके से कोलैप्स है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके का बवाल देखने को मिला और जिस तरीके से बाद में उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है, तो क्या कानून से ऊपर हुड़दंग मचाने वाले लोग हो सकते हैं? आप लोग की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में गाना गाने वाले व्यक्तियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर एक महिला ने पूछ लिया कि आप हमारे पेंशन का जुगाड़ करवाइए, हम लोग गाने वाले लोग हैं, आर्टिशियंस लोग हैं, हम लोगों को जीवन सुरक्षा के साथ साथ पेंशन भी मिलना चाहिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे ही बेरोजगारी शब्द शिवराज सिंह चौहान ने सुना वहां से निकल लिए दोस्तों, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जा रहा है और कई सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनावों के पहले विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की उम्मीद कर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नीतीश कुमार और चंद्रशेखर राव जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के साथ समझौता करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की टीएमसी को लेकर 2 दिनों पहले मेघालय में निशाना साधा था दोस्तों, जिसके बाद कहा जा रहा था कि टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दरारें और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हम मुद्दों को सुलझाने और ममता बनर्जी नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव के साथ काम करेंगे, हमें गठबंधन का नेतृत्व करने की जरूरत है और एक साथ काम करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी साथ में आ जाए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, जब हम मजबूत होंगे तभी हम नेतृत्व कर सकते हैं। यह बयान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी के 3 दिवसीय कार्यक्रम के मौके पर सामने आया है। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को पूरी तरीके से खंडित नहीं कर रही है कि अन्य पार्टियों के साथ उनका गठबंधन नहीं हो सका, बल्कि दोस्तों दरवाजे खोले गए हैं, देखें कौन कौन अंदर आकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेगा और पूरे मामले पर यह सुनिश्चित करेगा कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ पाए। सस्ता दोस्तों रतलाम के अंदर बीजेपी के जिला अध्यक्ष विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग पुलिस थाने पहुंच गए। कमलनाथ का पुतला जलाने से नाराजगी जाहिर की गई है। भाजपा के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने के विरोध में शुक्रवार को रतलाम के सड़कों पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा नेताओं पर FIR दर्ज किए जाने की मांग
को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किए गए हैं। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।